जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेम बल और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस है। बेसिकली पिछले कुछ सालों में यूपीएससी ने अपने क्वेश्चंस पूछने के ट्रेंड में जो चेंज किया है वो सबसे बड़ा चेंज ये है कि यूपीएससी अब आपसे डायरेक्ट किसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कम पूछता है, बल्कि उन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं कंपैरिजन को लेकर। तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि आपसे पूछा जा सकता है प्रीएम्बल और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि कंपैरिजन तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रिटिश से कंपेयर हो रहा है, अमेरिका से कंपेयर हो रहा है, तो हमने जो प्रीएम्बल लिया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से तो उनका कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता। तो आज हम वीडियो में यही देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और अगर हम प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल के लिए दो डेट याद रखना बहुत जरूरी है। एक आपका आता है 26 नवंबर 1949 को एंड द सेकंड वन इज 26 ऑफ जैन 1950 को। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? 26 ऑफ जैन 1949 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट किया गया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, लेट्स सी। तो सबसे पहली बात तो 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमने क्या किया है, अपने संविधान को अंगीकृत किया है। ठीक है, जिसको कि अगर आप हिंदी में बोलें, और अगर कमिशन की बात करें यानी हमारा संविधान लागू कब से हुआ है, तो 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे ये दोनों ही डेट्स आपको याद रखनी है प्रीएम्बल के को लेके और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके भी। अगर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बात करें हम कि इंडियन स्टेट का नेचर कैसा था, तो हमारा नेचर था ISR, दैट इज इंडिपेंडेंट, सॉवरेन एंड रिपब्लिक। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपका आजादी से पहले आया था, तो सबसे पहला गोल हमारा अचीव करने का क्या था कि हम आजादी चाहते थे, यानी हम कैसा नेचर चाहते थे, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। दूसरा, क्योंकि हम हमेशा ब्रिटिश सरकार के अंदर रहे थे, तो हम अब ये चाहते थे कि आजादी के साथ साथ हमें ऐसे डोमिनियन स्टेटस ना मिलके हम पूरे इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी कि हमारी टेरिटरी के लिए हम खुद को कुछ डिसीजन लेने के काबिल बन जाए। तो दूसरा गोल क्या था हमारा? सॉवरेन। और तीसरा रिपब्लिक, यानी जो हेड ऑफ द स्टेट था उसको हम ब्रिटिश प्रणाली जैसा भी नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट हो गया और हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। इसलिए हमने ये तीन जो है वो हमारा कैरेक्टर यानी हमारा नेचर यहाँ पे दिखाता है। अगर हम प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल स्टार्टिंग में हमारा नेचर क्या था? S, D और R, यानी हम सॉवरेन होना चाहते थे, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी आपका सेम है, हेड ऑफ द स्टेट आपका चुना हुआ है। ठीक है, डेमोक्रेटिक करेक्टर कैसा है इंडिया का और सॉवरेन करेक्टर कैसा है, इसके बारे में हम प्रीएम्बल में बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1976 में, और यहाँ पे दो वर्ड जोड़े गए जो कि हैं आपका सोशलिस्ट और सेकुलर। तो अब हमारा कैरेक्टर कैसा है? SSSBR, दैट इज आपका सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और इसको आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है क्योंकि यूपीएससी ने आपसे एक सेम क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में हमने टेरिटरीज को भी शामिल किया। कौन कौन सी टेरिटरीज? कुछ ऐसी टेरिटरीज जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आती थी। ठीक है, ब्रिटिश ऑफ इंडिया या ईस्ट इंडिया कंपनी कहें हम जिसे पहले कहते थे, तो ब्रिटिश ऑफ इंडिया के अंतर्गत कुछ टेरिटरीज आती थी। कुछ ऐसी टेरिटरीज, कुछ ऐसी यूटीज थी जो कि जिसको कि ये बोला गया था कि अगर आप चाहो तो आप इंडियन स्टेट में शामिल हो सकते हो, और कुछ इंडियन स्टेट अलग से थे जैसे कि इंडिया से थे। तो इन सबको मिला के बताया गया कि हम क्या चाहते हैं, बनाना यूनियन।
देखो यूनियन होगा आपका, या फिर हमारा जो अगर हिंदी में बात करें कि संघात्मक होंगे हम या एकात्मक होंगे हम, फेडरेशन होंगे या यूनियन होंगे, इसकी बहस प्रीएम्बल में बहुत हुई, लेकिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाते हुए हम यूनियन बनना चाहते थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। ठीक है, तो प्रीएम्बल में हम बात करें तो प्रीएम्बल में टेरिटरीज कौन सी शामिल होंगी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए आपका आर्टिकल 124 दे दिया गया था, तो प्रीएम्बल में टेरिटरी शामिल करने का मतलब नहीं बनता। और दूसरा मतलब है कि यहाँ पे हम यूनियन कैरेक्टर के होंगे या फिर हम फेडरल कैरेक्टर के होंगे ऐसा भी नहीं बताया गया था, या हम यूनिटरी कैरेक्टर के होंगे ऐसा प्रीएम्बल में नहीं बताया गया था। ठीक है, तो हमारा अगला डिफरेंस आता है सबसे पहले अथॉरिटी, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करें तो वहां पे सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन थी, तो पीपल, और यहाँ पे प्रीएम्बल की तो शुरुआत ही होती है वी द पीपल, यानी सबसे पहले क्या बताया था, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, हमारे पीपल। तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों में ही अथॉरिटी कौन बताई गई है, पीपल यानी हम लोग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कुछ आपके ऑब्जेक्टिव दिए गए थे कि जिसको आपको सिक्योर करना है, आप गारंटी देते हो अपने लोगों को किस चीज की, आप जस्टिस सिक्योर करते हो, इक्वेलिटी सिक्योर करते हो, फ्रीडम सिक्योर करते हो, और कुछ तरीके के जो ऑब्जेक्टिव थे आपके वो प्रीएम्बल में दिए गए हैं। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है अब हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जस्टिस की, तो यहाँ पे जस्टिस कैसा था, यहाँ पे जस्टिस सेम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन और प्रीएम्बल में सेम तरीके का जस्टिस है, दैट इज जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तीनों तरीके के जस्टिस आपको प्रीएम्बल में भी दिए गए हैं और तीनों तरीके के जस्टिस आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी दिए गए हैं। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे बात की गई है आपकी सेकंड नंबर पे इक्वेलिटी। इक्वेलिटी किस चीज की, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। यहाँ पे इस इक्वेलिटी की बात ज्यादा, मतलब एक इक्वेलिटी की बात आपको ज्यादा की गई है, जबकि प्रीएम्बल में आपके इक्वेलिटी में दो ही इक्वेलिटी दी गई है, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और इक्वेलिटी बिफोर द लॉ आपका आर्टिकल नंबर 14 से सिक्योर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रीडम की, और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि आपकी प्रीएम्बल में फ्रीडम वर्ड यूज नहीं हुआ, प्रीएम्बल में लिबर्टी वर्ड यूज हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपकी आजादी से पहले आया था, तो वहां पे उस टाइम पे हमारा मेन गोल था स्वतंत्रता, फ्रीडम। सो प्रीएम्बल में हमारा वर्ड दिया गया है, वो वर्ड दिया गया है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता, सिर्फ आज़ादी नहीं होती कि आप कुछ भी कर सकते हो, लिबर्टी का मतलब होता है एक पर्सन का पूरे तरीके से विकास करना, वो हमारा लिबर्टी होता है। ठीक है, तो फ्रीडम में हमारे पास क्या क्या फ्रीडम दी गई थी आपको, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, और यहाँ पे तीन फ्रीडम आपको अलग से दी गई थी, वो थी आपकी एसोसिएशन, एक्शन, वोकेशन। ये तीन फ्रीडम आपकी अलग दी गई थी। यहाँ पे आपकी फ्रीडम कौन सी है, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ वर्शिप। ये सारे सब कुछ आपको सीक्वेंस में ही याद करना है, क्योंकि अगर प्रीएम्बल, अगर यूपीएससी आपसे प्रीएम्बल में नेचर पूछ सकता है सीक्वेंस में, तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है, ऐसे सीक्वेंस भी पूछ सकता है और ऐसे सीक्वेंस भी पूछ सकता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो प्रीएम्बल में हमारा वर्ड दिया गया है फ्रेटर्निटी, यानी बंधुत्व। जब आप आजाद हो जाओगे, आपको आजादी मिल जाएगी, आप लोगों का विकास करोगे, तभी तो आप उस देश को चलाने के लिए ये चाहोगे कि सब लोग आपके एक साथ मिल के काम करें, यानी उनमें बंधुत्व की भावना हो। तो वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये चीज मिस है। वैसे भी हम इस चीज का पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आजादी से पहले आया था, तो उसमें बहुत सारी चीजें शामिल नहीं होंगी जो ऑब्स्टेकल हमारे पास आजादी के बाद आने वाले थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड वन। ठीक है, सो द नेक्स्ट डिफरेंसेस, जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में आपको फ्रीडम दी हुई है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में एक खास बात थी कि वहाँ पे आपको आज़ादी के साथ साथ आपको युक्तियुक्त निर्बंधन, जिसको हिंदी में बोला जाता है, यानी कि आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दी हुई थी। ठीक
ठीक है, कौन कौन से रीजनेबल एक्सपेक्टेशन दी हुई थी, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। और अगर हम प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल में हमारी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं दी हुई थी, बल्कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपको आपकी फ्रीडम्स के साथ ही, यानी आपके फंडामेंटल राइट के साथ ही दी जाती है। जैसे अगर आपको 1901 में आपके फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं कि आपको कहीं भी जाने की, घूमने की, फिरने की, बसने की, बोलने की आज़ादी है, तो 1902 में आपको बताई गई है कि उन पर क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी। बेसिकली 1902 से लेकर 1906 तक आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात कर रखी है, ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आपका इंटीग्रेटिव वर्ड जो है वो स्टार्टिंग से शामिल था, लेकिन प्रीएम्बल में इंटीग्रेटिव वर्ड आपका स्टार्टिंग में शामिल नहीं था, बल्कि एड इंटीग्रिटी। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंटीग्रिटी वर्ड शामिल हुआ था या एड इंटीग्रिटी, तो याद रखना है इंटीग्रिटी अकेला एड नहीं हुआ था, एड इंटीग्रिटी वर्ड या एड हुआ था। ये भी हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के साथ ही ये हमारा एड हो गया था, ठीक है। तो इंटीग्रिटी वर्ड जो था वो हमारी प्रीएम्बल में, यानी ओरिजिनल प्रीएम्बल में वो नहीं दिया हुआ था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd से अमेंडमेंट करके आया था। अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें तो हमारे तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ही इंडिया के एक नेचर के बारे में कि हम वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना चाहते हैं ये भी बताया गया था, जबकि प्रीएम्बल में इस तरीके की कोई बात नहीं की गई है। और इस तरीके की बात अगर हम कहें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो आपकी DPSP में की गई है, स्पेशली आपका जो आर्टिकल नंबर आता है 51, जो कि आपकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप से आप कैसे डील करते हो, आप इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करते हो, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंसेस थी, क्या सिमिलैरिटीज थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।